और कितना टाइम है चिपलून के लिए? बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूं थोड़ा सा। अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। सब कुछ उतार दे। हाँ। तूने तेरा फोन महान में स्विच ऑफ किया था ना? हाँ। उतार। हाँ। जल्दी जल्दी। हाँ। उतार। हाँ। उतार। चल चल जल्दी कर, कोई हमें यहाँ देख ना ले। हाँ चल चल। हाँ। जल्दी कर। मर्डर को 12 घंटे अभी हुए नहीं है। आज सुबह 8 बजे इसकी लाश मिली खेतों में, मतलब कल शाम 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में इसका कत्ल किया गया होगा। बिल्कुल, किसी धार वाले औजार से, मोस्ट प्रोबेबली छुरे से, एक सिंगल कट से विंड पाइप काटा गया और चंद सेकंड्स में हुई होगी। कोई स्ट्रगल नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बॉडी पर गहने थे जो उतारे गए, गहने खींच कर निकालने के निशान मिले। साहब, इस अरुण गोडबोले ने सबसे पहले देखी थी लाश और फिर ये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। उसके बाद फिर मैंने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया और हम लोग सब उस जगह पे पहुंचे, वहाँ लाश देखी और फिर वहीं से मैंने आपको फ़ोन किया था। साहब, सरपंच जी, अपने बेरुड़ी गांव में से ऐसा कोई है जो इस लड़की को पहचानता हो? नहीं हो साहब, क्योंकि अपने बेरुड़ी गांव के सारे लोग देख कर गए, किसी की पहचान की नहीं निकली। मुझे लगता है साहब ये कोई बाहर वाली होगी। शायद बेरुड़ी गांव की नहीं होगी, लेकिन किसी बेरुड़ी वाले के घर में मेहमान तो हो सकती है ना? हो साहब, ये हो सकता है। साने जी, गाँव से खबर निकलवाओ, क्या ये बेरुड़ी में किसी के घर की मेहमान थी? बाजू का गांव नाकुर ली, वहां भी पूछो। जी सर। जगताप, दोनों गांव में एक एक घर में पूछो। हो सर, ठीक है। नाम क्या इसका साहब? क्यों बे, तू सारी लेडीज को नाम से जानता है? अरे वैसा नहीं सर, वो क्या ना, नाम पता होता है तो दिमाग में घंटी बजती है ना। नाम वाम पता नहीं,
लाश के आसपास कुछ नहीं मिला था? नहीं साहब, इसको पहले इधर नहीं देखा। शांति से सांस लो। 24 घंटे के ऊपर हो गए, पुलिस को उसका नाम तक नहीं पता चला। चलो अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब वापस अपने काम पर लग जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नासिक कब लौट रहे हो? अब देखो, रेजिग्नेशन तो दे दिया, एक महीने का नोटिस पीरियड है। तो मतलब एक महीना वहाँ और काम करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा ही ना, रूल है। उसके बाद नासिक। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। सर, बेरुड़ी, वाकुरला और नाकुरली, इन तीनों गांवों में हाउस टू हाउस चेकिंग की है, लेकिन ये लड़की इन तीनों गांवों में से नहीं मालूम होती। सारे जिले की मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। जी सर। सर, ये भी तो हो सकता है लड़की कहीं और की हो, बस उसे यहाँ लाकर मार डाला गया। जी सर, कहीं और से भी हो सकती है, दूसरे जिले, दूसरे राज्य से, कहीं से भी। और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं। परसेकर साहब, हमने हेड टू टो बॉडी का एक एक इंच चेक किया, पर कोई मार्क का पुराना निशान नहीं, कोई गोदना नहीं, कुछ भी नहीं। एक महीना हो गया डॉक्टर, अभी तक एक भी सुराग नहीं है हमारे पास। बस ये कि उम्र 23 से 27 के बीच की है। काश मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाता, पर है ही नहीं। कुछ मिला मेरा? सही है, 9वीं बार चेक कर रही हूँ मैं। लेगिंग और कुर्ती में कोई भी पॉकेट्स नहीं है, कुछ खास आइडेंटिफिकेशन नहीं। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि कौन हो सकती है ये। एक मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं। मेरा ये सजेशन है कि कपड़े आपके पास रहेंगे, बॉडी के विसेरा, कुछ खास अंश मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, बाकी बॉडी का क्रियाक्रम आप कर सकते हैं। जी नहीं, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम माँ बाप हैं उसके, दुश्मन नहीं। हमसे छुपने छुपाने से क्या मिलेगा? सच कहूं जी, तो मैं भी अपनी बेटी के इस रवैये से थक गई। जब चार लोग मुझसे पूछते हैं ना, कहाँ है वो, क्या कर रही है, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। पुलिस के पास भी तो कोई जवाब नहीं है ना। चार महीने से ऊपर हो गए हैं। गायत्री, मैं सिर्फ उससे इतना कहना चाहता हूं कि जो मर्जी आए करे, उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन हम भी तो उसके अपने हैं, हमें भी तो बताए। तो मक्खन है बॉस। ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन की है, सिंगल हैंडेड यूज है। अच्छे से अच्छा प्राइस दिलाना। एक दो पार्टी है, बात करता हूं। अगर उन्हें टेस्ट ड्राइव चाहिए तो मुझे एक दिन पहले फोन करना। ओके। चलो ना, छुट्टी ले लो।
सोचा तूने? किसी को पता ही नहीं चलेगा कभी। तू क्या बोल रहा है सूरज? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे हर मूवमेंट की खबर रहती है यहाँ, समझा? मतलब तू साफ साफ बता ना क्या बोलना चाह रहा है। अबे इतने टेंशन में क्यों आ रहा है तू? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? तूने फोन क्यों किया वो बता सूरज। अबे यूं ही, मैंने सुना तूने मुंबई की जॉब छोड़ दी, नासिक वापस आ गया। हाँ आ गया हो तो? सुन, बॉस ने मैसेज भेजा है तू एलिस्टर वापस लौटा, इसीलिए फोन किया तुझे। नहीं यार सूरज, मैं एलिस्टर वापस से ज्वाइन नहीं करना चाहता। इनफैक्ट दूसरे एक जॉब ऑफर को मैंने यस कह दिया है। सोच ले, जो तुझे नई कंपनी ऑफर कर रही है उससे बढ़ाकर पे पैकेज देगा बॉस। सॉरी सूरज, पर बॉस को नॉट इंटरेस्टेड बोल देना, अगर आगे जाके जरूरत पड़ी तो मैं सामने से फोन कर दूंगा बॉस को। मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम वापस एलिस्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अब वो मेरे और तुम्हारे बीच कभी नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी ना? उस मनहूस रात को उस जवान औरत का कत्ल करने के बाद कातिल के लिए फिर से जिंदगी में लौटना असंभव हो चुका था। हालांकि कत्ल के 2 महीने बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी, इस केस का हल निकल आने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। अब अगर कोई शख्स ये साबित कर पाता कि किसी भी चीज का असंभव होना नामुमकिन है तो शायद केस में कोई पहल होती। कौन था यह शख्स और क्या साबित करने जा रहा था? सर्च किया था ना तुमने साने? जी सर, इलाके के सारे टेलर्स को टैप किया था। अपने एसपी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही उलझे केसेस की फाइल मंगाई और सबसे पहले यही वाला चुन लिया। सुन लो पासिकल, सर हमारी ज्यूरिडिक्शन में 14 गांव आते हैं, सभी को खंगाला था। जिले के बाहर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। पास के जिलों से भी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन की, लगभग 1 महीने की रिपोर्ट चेक की थी सर। सर लास्ट हमने विक्टिम की कुर्ती के टैग पर काम किया था, अपनी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट सभी टेलर्स और रिटेल गारमेंट वालों से बात की थी। हो सकता है लड़की अपने रत्नागिरी के नाम? हाँ सर, पूरी संभावना है। विक्टिम की तस्वीर और डिटेल्स सारे पुलिस जोन में सर्कुलेट किए, ऑनलाइन भी डाल रखी है। और 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक एक सिंगल रिस्पांस नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल रात को 8 से 12 बजे के बीच हुआ होगा। करेक्ट सर। और ये गाँव जहाँ ये कत्ल हुआ था? बेरुड़ी सर। बेरुड़ी, उस रात का बेरुड़ी का डम डेटा निकलवाओ। सर मुझे नहीं लगता कि बेरुड़ी कोई बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। वहाँ के टावर से उस रात 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच तक का पूरा डम डेटा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। मिल जाएगा सर। पार्सिकर, मुझे, तुम्हें और पूरी टीम को ये केस क्रैक करना है पूरे नए सिरे से। और सिर्फ ये केस नहीं, इन फाइलों में जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। आपसे कोई बैकलॉग नहीं होगा? नहीं होगा सर। डम डेटा रिकॉर्ड कल सुबह फर्स्ट थिंग पार्सिकर। सर सर। स्त्री पहनावा? सर स्त्री पहनावा नाम का कोई भी टेलर पूरे जिले में नहीं। होना भी मुश्किल है, ऐसा नाम किसी रिटेल दुकान का लगता है। हो सकता है कुर्ती रेडीमेड हो। अगर आप लोगों ने रत्नागिरी के सभी टेलर से बात की है तो एक बार ऑनलाइन चेक करते हैं, शायद इंटरनेट पर इस ब्रांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 12 जून शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उस इलाके के सारे मोबाइल टावर्स का डम डेटा चाहिए मुझे। जितने भी मोबाइल फोन उस एरिया में एक्टिवेट हुए थे सारों के नंबर्स और डिटेल्स चाहिए 2 घंटे में। सर कुल मिला के उस इलाके में 4 सेलफोन टावर्स एक्टिवेट थे उस रात, सब लोग डेटा भेज रहे हैं। सर आज शाम तक टेबल पर होने चाहिए, सुबह तक सारे डेटा छाटने होंगे। और हाँ सारे स्टाफ को बोल दो आज शाम कोई घर नहीं जा रहा। सर
हेलो, स्त्री पहनावा गार्मेंट मैन्युफैक्चरर्स। गुड आफ्टरनून, मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से एएसपी संदीप भूषण बोल रहा हूँ। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, हम एक औरत का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी सर। विक्टिम के बॉडी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है, सिवाय इसके कि उसने जो कुर्ती पहन रखी थी उस पर आपकी कंपनी स्त्री पहनावा का लेबल लगा हुआ है। लेबल के लोगों को मैंने आपकी वेबसाइट के लोगों से मैच किया है। सर, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ये गारमेंट्स आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? एक्चुअली सर, हमारी ये स्टार्टअप कंपनी है, बस 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं? यस सर, लेकिन ऑनलाइन भी हम डायरेक्टली नहीं बेचते, हमारे अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स है जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं हमारे पास। जैसे कि फेम पेटल्स, के कलेक्ट, फॉर स्टाइलो, क्रेजी वोग, बाय क्राफ्ट और फीवर टेंजो। ये 6 पोर्टल्स हो गए, कोई और है? नहीं सर, फिलहाल ये 6 हैं। और ये 6 बिलिंग और शिपिंग करते हैं? That's right, sir. क्या नाम है आपका? सर ऋतु, ऋतु जैन। ऋतु, जो विक्टिम ने कुर्ती पहनी थी उसका एक फोटोग्राफ मैं आपको भेजता हूँ, आप मुझे चेक करके बताइए कि इन 6 पोर्टल्स में से किसने अपनी वेबसाइट पर उस डिजाइन को एडवर्टाइज किया था जहाँ से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी। ओके ओके सर। आपका मोबाइल नंबर? शाजिया, ये देखो, रत्नागिरी पुलिस ने भेजा है, किसी लड़की ने पहना था जिसका मर्डर हुआ है। मैम, ये तो अपने फ्लोरल मैजिक डिजाइन की सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्रिंट है। फ्लोरल मैजिक? यस सर। सर, ये फ्लोरल डिजाइन हमारी सबसे पॉपुलर डिजाइन रेंज है, सभी 6 पोर्टल्स पर फास्ट मूविंग प्रिंट है सर। इसका मतलब कस्टमर इन 6 पोर्टल्स पर ब्राउज करते हैं, वहाँ पर इस डिजाइन को पसंद करते हैं और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। राइट सर। उसके बाद ये पोर्टल्स ये ऑर्डर आपको प्लेस करते हैं और आप प्रोडक्ट पोर्टल के एड्रेस पे भेजते हैं। करेक्ट सर, पोर्टल के वेयरहाउस के एड्रेस पर। और फिर पोर्टल इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाता है कूरियर से। जी सर। इसका मतलब इन 6 पोर्टल्स में से कोई एक पोर्टल है जहाँ से शायद विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी और उस पोर्टल के पास विक्टिम का नाम, नंबर और पूरा पता होना चाहिए। राइट सर, होना चाहिए। सर, 12 जून को शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के बीच में कुछ 600 फोन कॉल एक्टिवेट हुए थे सर, जहाँ से हमें लाश मिली। सभी के नाम और एड्रेस मिले? यस सर, सभी 600 नंबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं सर। वेरी गुड, मैंने 6 पोर्टल्स निकाले जहाँ से हो सकता है कुर्ती ऑर्डर हुई। राइट सर, रास्ता लंबा है लेकिन मिल गया। राइट सर। फेम पीटल्स, के कलेक्ट, फोर स्टाइलो, क्रेजी वोग, बाय क्राफ्ट, फीवर टेन जोन, ये उन 6 पोर्टल्स के नाम है। स्त्री पहनावा एक स्टार्टअप कंपनी है जो सिर्फ 4 महीने पुरानी है और मर्डर के वक्त 2 महीने पुरानी थी। ये कंपनी जोधपुर से रेडीमेड कपड़े इन 6 पोर्टल्स को भेजती है और फिर ये 6 पोर्टल्स उन कपड़ों को कस्टमर तक पहुंचाते हैं कुरियर से। उन 2 महीनों के दौरान शायद इन 6 में से किसी एक पोर्टल से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी हो। सर, 6 के 6 पोर्टल्स के सारे सेल्स रिकॉर्ड चेक करते हैं। एग्जैक्टली, और ये जो डिजाइन है फ्लोरल मैजिक, पता करो कि इन 6 पोर्टल से कितने कस्टमर्स को डिलीवर हुआ। हर कस्टमर की डिटेल निकालो, उनमें से कोई एक हमें विक्टिम तक लेके जाएगा। यस सर। सिट डाउन सर।
उस इलाके में जो 600 फोन एक्टिव थे उसमें से 550 तो उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के थे और 50 उस इलाके में स्टेशनरी थे। सुपर, इन सारे नंबर्स को स्कैन करो। हो सकता है गांव वालों में से किसी ने मारकर बॉडी वहां फेंकी हो, या फिर उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों में से किसी ने लाश वाले स्पॉट पर या बाहर कहीं मर्डर किया और उस जगह पर बॉडी डंप करके चले गए। जी हाँ, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिजाइन। आप लोगों ने अप्रैल 2015 से जून 2015 तक जितने भी ऑर्डर्स कुरियर किए हैं, हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम और एड्रेस चाहिए। अप्रैल 2015 से जून 2015। जी हाँ, एकदम अर्जेंट है, अभी चाहिए। जी जी, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिजाइन। और ये जो 50 फोन नंबर उसी इलाके से हैं, इन सारे यूजर्स की फोटोग्राफ मंगाओ। क्रॉस चेक करो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम किस किस से बात कर चुके हो और कौन कौन रह गए। जी सर। पोर्टल से कुल मिलाकर कितने सेल्स हुए थे? सर तकरीबन 124 ऑर्डर प्लेस हुए थे। एक्चुअली सर 5 पोर्टल से सेल्स हुई थी। एक है बायक्राफ्ट, जहां से एक भी सेल नहीं हुआ। और इन 124 में से कितने चिपलून और बेरुडी की तरफ हुए थे? एक भी नहीं सर। सबकी सब सेल्स मुंबई, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाकी कुछ दूसरे शहरों में हुई। सभी सेल्स की रिसिप्ट लेके आओ, नाम, एड्रेस, सब कुछ। सब। पूरे 2 महीने तक पुलिस को लाश के बारे में एक सिंगल सुराग नहीं मिला। और अब 2 महीने के बाद 3 दिन के अंदर काफी चहल पहल के बाद इन्वेस्टिगेशन के 2 मोर्चे खुले थे। एक तरफ लाश की कुर्ती पर लगा लेबल एक अहम सुराग साबित हुआ था और दूसरी तरफ सेलफोन टावर के डंप डेटा से कातिल की तरफ कदम बढ़े थे। एक असंभव सा केस अब मुट्ठी में आने लगा था। Wow, it's beautiful. पसंद आई तुम्हें? पसंद? I just love it. मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। थैंक यू सो मच। यस सर। ये राकेश सर को देना। ओके सर। तुमने रिजाइन किया और मुझे बोला तक नहीं। मेरे माइंड की शांति भी मायने रखती है। और मैं मायने नहीं रखती। मैं यहाँ से चले जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो मेरा भी यहाँ रहकर जॉब करना पॉसिबल नहीं है। तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। देखो प्लीज, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ जॉब नहीं, घर भी छोड़ दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब कर दिया तो कर दिया ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस रिजाइन दिया, बैकपैक किया और आ गई। अब अंदर आऊं? कॉफी सो रख दो। तो कुल मिलाकर 116 लेडीज ने इन 5 पोर्टल से फ्लोरल मैजिक प्रिंट वाली कुर्तीज ऑर्डर की थी। सर, हमने कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर तो कभी सिम कार्ड बेचने वाले बनकर इन सभी 116 औरतों को फोन किया था। इन सभी ने हमारे कॉल्स उठाए, हमसे बात की। और 8 जेंट्स ने ऑर्डर किया, 4 मुंबई, 2 दिल्ली, 2 उदयपुर। और उन्हें फोन करने का कोई मतलब बनता नहीं। फोन करके पूछ नहीं सकते हैं कहीं आपने फ्लोरल मैजिक की कुर्ती पहनी हुई किसी लड़की को मर्डर तो नहीं किया। सर, जहां पे हमें लड़की की लाश मिली वहाँ के टावर से मिले फोन नंबर और वो 124 लोग जिन्होंने पोर्टल से कुर्ती ऑर्डर की थी उनके नंबर्स, उनमें आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कनेक्शन तो निकल ही सकता है। हम ये बात मानकर क्यों चल रहे हैं कत्ल किसी एक इंसान ने किया है?
दो तीन चार या कई लोगों के कोऑर्डिनेशन से कत्ल होना कोई असंभव बात तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। एक काम करो, इन सभी 600 फोन नंबर्स के और इन 8 मेल कस्टमर्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और मैचिंग शुरू करो, कोई ना कोई कनेक्शन निकल सकता है। सर, कनेक्शन निकल गया। सर, कनेक्शन बन गया। सुपर पार्सेकर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन केस अभी सिर्फ पेपर पर क्रैक हुआ है, इसे एक्शन में क्रैक करते हैं। सर, ये है बेरुडी के रेजिडेंट का नंबर और उसके कॉल रिकॉर्ड्स। और इस कॉल रिकॉर्ड में सर ये एक नंबर है जो forestaller.com से ऑर्डर करने वाले मुंबई के मेल कस्टमर का नंबर। सर, दोनों के बीच कॉल्स हुए हैं, कई बार हुए। मैं forestaller.com से आया हूँ, मिस्टर विनय देश पांडे के लिए डिलीवरी है। सर, ये विनय देश पांडे, गांधीवली मुंबई में रहता है। थैंक यू मैम। और सर, बेरुडी गांव में जिस आदमी के साथ विनय देश पांडे की बात हुई थी उसका नाम है नंदू बर्वे। मुंबई के इस विनय देश पांडे और बेरुडी के नंदू बर्वे के बीच 12 जून से पहले भी कई बार फोन कॉल्स हुए हैं और 12 जून की शाम को नंदू के फोन की लोकेशन भी वही थी जहां पे हमें लाश मिली। और इस विनय देश पांडे का फोन? उसका फोन महाड़ में स्विच ऑफ हुआ था सर। तूने तेरा फोन महाड़ में स्विच ऑफ किया था ना? हाँ। और दूसरे ही दिन 13 जून को नंदू ने विनय को सुबह 9:30 बजे फोन किया। कहाँ पहुंचे हो? पनवेल में चाय पी रहा हूँ। सुबह बॉडी मिली है गाँव वालों को, सरपंच सबको औरत के बारे में पूछ रहा था, किसी के पहचान की नहीं है। होगी भी कैसे? दोनों का बाकायदा कनेक्शन है सर। इस विनय देशपांडे के फोन रिकॉर्ड्स और बाकी सारे डिटेल्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। सर, तब तक इस नंदू बर्वे को उठाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले विनय देशपांडे। मुंबई चलते हैं और पता करते हैं कि उस विक्टिम का उसके साथ कोई ताल्लुक था या नहीं, और जैसे फोन रिकॉर्ड्स आते हैं इस नंदू बर्वे पर झपट पड़ते हैं। हम रत्नागिरी से हैं, विनय देश पांडे को ढूंढ रहे हैं, यहीं रहता है ना वो। आप उससे क्यों ढूंढ रहे हो? हम रत्नागिरी पुलिस से। वो हमारा किरायेदार था, 2 महीने पहले ही चला गया। कहाँ चला गया? नासिक साइड का था, बोला वापस जा रहा हूँ। उसके साथ यहाँ कोई लेडी रहती थी, कोई लड़की? हाँ, उसकी पत्नी चांदनी। चांदनी, क्या हुआ उसे? कमलेश, आज चांदनी सूत है गई। ये मर गई है? 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। आपके और विनय देश पांडे के बीच कोई रेंट अग्रीमेंट तो हुआ होगा? जी। हमें उसकी एक कॉपी चाहिए। सर, एग्रीमेंट में विनय के नासिक के घर का एड्रेस है, उसके सिम कार्ड का फॉर्म, उसके कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास कल सुबह आ जाएंगे। पहले दोनों डॉक्यूमेंट से एड्रेस मैच करते हैं, उसके बाद हम नासिक जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि उसने अपनी बीवी चांदनी को क्यों मारा। चांदनी? हाँ, कौन है ये चांदनी? मेरी कलीग है। क्यों? और तुम्हारी ये कलीग जानती है कि तुम शादीशुदा हो? तुम शादीशुदा हो? नो। यस, हाँ, उसे मालूम है, मैंने उसे बताया था। और तुम उससे शादी करना चाहते हो? चांदनी, आई लव यू। और तुम्हारी बीवी, वो तुमसे प्यार नहीं करती? तो मेरा क्या होगा विनय? अनिता, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी वाइफ से भी प्यार करते हो और मुझसे भी प्यार करते हो, ये कैसे होगा विनय? दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही होगा ना? मैं अनिता को छोड़ नहीं सकता और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम वाकई ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी और को भी प्यार करो और मुझे इसमें कोई एतराज ना हो? अनिता,
मैं तुम दोनों से सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्यार दो लोगों के बीच होता है, तीन लोगों के बीच गंध होती है, जिसकी बदबू मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। विनय, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम एक काम करो, उस चांदी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगी, उससे जाना होगा। तुम उससे दूर हो, इसीलिए तो तुम मेरे पास आए। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, करते हो ना? सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम शादीशुदा हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। अनीता, मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, धोखा नहीं दे सकता मैं उसे। और मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, किसी भी कंडीशन में नहीं। गुड मॉर्निंग विनय देशपांडे। गुड मॉर्निंग, आप लोग कौन हैं? हम रत्नागिरी पुलिस से आए हैं। रत्नागिरी पुलिस, बताइए सर, क्या काम है? हम जानना चाहते हैं कि तुमने चांदनी को क्यों मार डाला। What nonsense are you talking, sir? नंदू सब कुछ बक चुका है। नंदू बरवे, तुम्हारा साला और इस मर्डर में तुम्हारा साथीदार। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। थैंक यू सो मच। विनय, शादी कर लेते हैं। शादीशुदा कपल की तरह ही तो रह रहे हैं। पर सेम नहीं है। क्या हुआ, मन भर गया है मुझसे? थक गए हो ना तुम मुझसे? सच बोलूं चांदी, मैं सब कुछ से थक गया हूं। मुझे मेंटल टेंशन नहीं चाहिए था, इसलिए मैं मुंबई आ गया। फिर तुम मेरे पीछे पीछे यहां चली आई। हम साथ में रह रहे ना, बस। तो मतलब शादी नहीं करोगे तुम मुझसे? चांदनी, एक शादीशुदा आदमी दोबारा शादी नहीं कर सकता है, और वैसे भी मैं अनीता को नहीं छोड़ सकता, दुख नहीं दे सकता उसे। तिन्हें तुम मुझे भी दुख नहीं दे सकते। चांदनी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, असंभव। जब तक अनीता तुम्हारी पत्नी है, तब तक मेरा तुम्हारी पत्नी बनना संभव है। चांदनी प्लीज, इस स्टेटस को एक्सेप्ट करो। हमारी इस लाइफ में सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं होता विनय, बस नियत साफ होनी चाहिए, जो इस वक्त तुम्हारी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना विनय, तुमने मुझे कहा कि तुम उसके साथ सब कुछ एंड कर चुके, और अब तो मुझे ये बता रहे हो कि तुम उसके साथ रहते हो। सॉरी अनीता, झूठ बोला मैंने, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब मैं थक चुका हूं और नहीं झेल सकता उसे। हमेशा एक ही बात की रट लगाए रखती है, शादी कर लो मुझसे, शादी धमकी देती है मुझे। तुम ना विनय, एक्चुअली मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं। मतलब? तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कितना पागलों की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ, इतना कि मैंने अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया मैं कहाँ हूँ, एक फोन कॉल तक नहीं किया। तो लौट जाओ ना उनके पास। इतनी आसानी से बोल दिया कि मैं लौट जाऊं? तुमने एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं कभी भी अपने माँ बाप से मिली ना तो मिसेस चांदनी विनय देशपांडे बनकर ही मिलूंगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। चांदनी, है बार बार कहना बंद करो, ऐसा नहीं होने वाला, असंभव है। अगर ये नहीं होगा ना तो कुछ और बहुत जल्द होने वाला है। क्या? सीधा पुलिस के पास जाने वाली हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने वाली हूँ कि इस आदमी ने मुझसे शादी का वादा किया, मेरा इस्तेमाल किया, और उसके बाद मुझे बताया कि यह शादीशुदा है। फ्रॉड और रेप दोनों का चार्ज लगेगा तुम पर। मुझे नहीं पता था कि बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी। कैसे नहीं पहुंचती विनय, इनवाइट भी तो तुम ही ने किया ना। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है,
पर उस पे अमल क्यों किया? शादी की कोई वैल्यू नहीं होती क्या विनय? अगर तुमने कुछ सोचा होता ना तो ये सब नहीं होता। क्या करना चाहिए था और क्या नहीं ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं वो बोलो। बोलना क्या है, उस को निकाल के फेंक दो नर्क में। किल्हा खत्म कर दो, वंस एंड फॉर ऑल। ओके चांदनी, करते हैं शादी। दिल से कह रहे हो या दबाव में आकर? दिल से बाबा, प्यार करता हूँ तुमसे। फिर से कहो। प्यार करता हूँ तुमसे। I love you too, Vinay. बहुत ज़्यादा। सुनो, कहीं चलकर थोड़ा टाइम साथ गुजारते हैं, दूर, काम वाम से अलग। जहाँ मर्जी ले चलो, अब मैं तैयार हूँ। बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूँ थोड़ा सा? अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एएसपी साहब, हमने पूरा प्लान बनाया था चांदनी का मर्डर करने का। प्लान के हिसाब से ही हमने उसे मारा और प्लान के हिसाब से उसकी लाश एक ऐसी जगह फेंक दी जहां उसे कभी कोई पहचान ही नहीं पाता। आप लोग, कोई खबर मिली मेरी बेटी की? चांदनी मिली? चांदनी जयसवाल। मैं शरद जयसवाल, चांदनी का फादर। बताइए कोई खबर। मिस्टर जयसवाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी चांदनी जयसवाल अब नहीं रही। 2 महीने पहले उसका मर्डर हुआ। वो विनय देशपांडे ही है ना? जी। आप जानते थे उसे? मैंने अपनी बेटी से कई बार कहा था चांदी, शादीशुदा आदमी का घर मत तोड़, तेरे खुद का घर टूटेगा। देखिए, उसका खुद का घर टूट गया। बात अजीब है, 6 महीने पहले जब चांदनी घर छोड़कर गई थी तो उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। जी सर। और उसकी मिसिंग कंप्लेन में उसकी फोटोग्राफ होने के बावजूद भी लाश की फोटो से वो मैच कैसे नहीं हुई? सर, लाश की फोटोग्राफ्स हमने सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर की थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैच नहीं हुई। सर, कभी कभी हमारी नजरों से भी कुछ चीजें छूट जाती हैं, जैसे कि उस कुर्ती का लेबल छूट गया। हमें पहले ही देखना चाहिए था, इंटरनेट पे चेक करना चाहिए था। पार्सिकर, चूक होती है, लेकिन हमें हर चूक से सीखना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। 24 घंटे सतर्क रहना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं ऑफिसर्स, बल्कि हमारी जिंदगी है। ओके, चलो अब बाकी के बचे हुए बैकलॉग केसेस भी क्लियर करेंगे। असंभव उस रिश्ते का नाम था जो 3 लोगों के बीच था, एक पत्नी, एक पति और एक प्रेमिका। दोनों औरतों में से कोई भी दूसरी औरत नहीं कहलाना चाहती थी, और उस आदमी के लिए किसी एक को चुनकर किसी एक को छोड़ना असंभव था। चांदनी के लिए अपने प्यार की आहुति देना उतना ही असंभव था जितना कि अनीता के लिए। लेकिन समझदारी तो असंभव नहीं थी, वो एक मुमकिन विकल्प था जिसे तीनों में से किसी ने नहीं चुना। इंसान भले कितना भी मानसिक और इमोशनल तनाव में क्यों ना हो, लेकिन किसी का कत्ल करके एक असंभव सिचुएशन को बदलने का ख्याल अपने आप में एक असंभव सच्चाई है जो कभी हो ही नहीं सकती। चांदनी का मर्डर भी पुलिस के लिए एक असंभव केस मालूम हो रहा था, पर क्योंकि वो सच की खोज में थे, न्याय की खोज में थे, इसलिए वो एक सुराग उनके लिए मशाल साबित हुआ फिर से इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि परफेक्ट क्राइम असंभव है, क्राइम नेवर पेस। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ।
तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।